everybody knows that I'm breaking down. Hello friends, assalam alaikum. तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत और रहम करने वाला है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, इसलिए 5:30 हो रहे हैं क्योंकि मैं उठा था, मैं बहुत थक गया था, तो आया था मैं 2 बजे घर आया था, तो नहाया वाया सो गया, बाकी व्लॉग एडिट करके सुबह ही एडिट किया, सुबह ही अपलोड किया। इसलिए ब्राज कानूनी मामू के घर 12 बजे मैं जैसे उठा, जोहेब ने कहा, जोहेब और मेरी सिस्टर जा रहे थे, तो जोहेब ने कहा चलो ब्राज कॉलोनी चलो हमारे साथ, मैंने कहा सही है चलते हैं, इसलिए हम गए। हमारी ट्रॉली भी एक उधर थी, बस हमारी ट्रॉली उधर थी, ट्रॉली भी लेने आनी थी, तो और स्पीकर भी हमारे थे उधर थे, क्योंकि मेरी मामू की बेटी की शादी हुई थी, तो हमारे स्पीकर वो ले गए थे, इसलिए वो स्पीकर भी हम लेके आए, हमारी अपनी ट्रॉली भी लेके आए। एक चक्कर उसमें लगाया, एक चक्कर सिस्टर के साथ लगाया, तो अभी हम घर पहुँच गए हैं। तो आज का व्लॉग इसलिए अब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं था आज व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक दिन भी मिस क्यों हो, आज भी बना देते हैं व्लॉग, कोई मसला नहीं है। तो अभी मामू का काम तो बस क्लियर हो गया है, तो अभी बस देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस अभी जैसे सिलेंडर को देखा, सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो अभी हम अपनी इस सीढ़ी पर जाएंगे सिलेंडर भरवाने। वो मेरा एरोप्लेन वो खड़ा है, उसको अभी छोड़ो, अभी सीढ़ी पर जाएंगे सिलेंडर भरवाने, तो फटाफट से भरवाने जाते हैं, आप भी साथ रहिएगा। तो गाइस हम फिर से सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं 8 या 9 दिन बाद, तो हमारी कॉलोनी में गैस नहीं है इसलिए हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो पिछली बार भी 1000 का भरवाया था और अभी भी 1000 का भरवाने जा रहे हैं, तो सारी जो सारा लोड है ना, बंद पड़ा है, आगे आगे देखो, सारा लोड है ना जो हमारा सिलेंडर पे है, इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हम भी बस जल्दी भरवा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि 1000 रुपये का क्यों भरवाते हैं, इसलिए 1000 रुपये का भरवाते हैं कि सही नहीं है ना, घर की यूज़ के लिए ना, 2000 का भी तो डेंजरस होगा ना, 2000 का एक तो सिलेंडर है यूज़ भी करना है, तो 2000 का सही नहीं है, 3 का सही नहीं है, 1000 का सही है। तो अभी ये बबलो वाला बंद था, तो अभी जा रहे हैं छुहारा मंडी, वहाँ से भरवाएंगे।
यार ये सीन बहुत खराब हो गया। बस क्या करें, होना था, डेली रात को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये जो ये बैठा है, क्या हुआ? तो यार गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में, पूरी फिर पुल पैदल रक्षा मिल गया था उसमें क्रॉस कर लिया। रक्षा मिल गया ना, मसला ही नहीं है। फिर नहीं यार ठीक है, अभी बस देखते हैं। तो बस हमने कहा कि चलो बस घर जाके पंचर बनवाते हैं, अभी तो बस घर ही आ गए हैं। तो गाइस घर लौट के आए, बड़ा ख्वार होकर, जलील होकर। इससे अच्छा है तो बंदा कहीं जाए ही नहीं। आपको बताता हूँ, 9 या 9:30 हो रहे थे, मैं अरसलान से गया था, अरसलान का काम था। और फिर जब हम लौट आए तो वहाँ पे ही जोहेब बैठा था। जोहेब और हफ्दार ने कहा चलो तो चलते हैं मार्केट। मैंने कहा यार अभी अभी लौट के आया हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बस वहाँ पर गए, आपने देखी होगी शॉर्ट्स, चिप्स वगैरह खाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। तो उसके बाद बस जैसे ही घर की तरफ वापस आ रहे थे तो गाड़ी हो गई हमारी पंचर। अब हम पुल के फर्स्ट गेट पर थे तभी हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो हमने ये प्लान सोचा, उबदार और जोहेब ने कहा तुम अब बस पीछे मार्केट की तरफ नहीं चलते, अभी चलते हैं घर की तरफ। तो बस उन्होंने कहा तुम गाड़ी के बहुत आगे टैंक पर बैठ के जाओ तुम घर की तरफ। मैंने कहा सही है। और जोएब और हफ्तार ने कहा कि हम पीछे रिक्शा में आ रहे हैं। मैंने कहा सही है। और जब भी अभी वापसी आए तो अभी टाइम बज रहा है, तो अभी टाइम बज रहा है 12:24। अभी ब्लॉग का एंड करें, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।